हेलो वेलकम टू ऑल आ गए सब मिश्रा वैभव प्रिंस ऑल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जरा रिवीजन करते हैं देखो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है एक बार मैं उसको थोड़ा सा बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट दो तरह का होता है एक सिंपल और एक कंपाउंड राइट सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट हमेशा क्या करते हैं जी ऑन प्रिंसिपल अमाउंट पर ही देते हैं ओरिजिनल अमाउंट पर ही देते हैं तो इसका दो पार्ट है एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट सी और एस तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर जाएगा इंटरेस्ट सब मानव विकास प्रिंस वैभव रंजीत सबको गुड इवनिंग सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट आई बराबर क्या है फार्मूला केवल समझ लेते हैं रिवीजन में हम लोग चलेंगे तो पी इन टू आर बाय हंड्रेड इन टू टी पी प्रिंसिपल अमाउंट है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है टी टाइम है देखो तुम लोग इसका भी आप बनाओ और जो हमारे बुक में दिया हुआ है उसको भी आपको बनाना है पहले आज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं फिर अगले दिन एनवे की भी हम बात करेंगे सभी काम करेंगे एक एक करके करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में पी इन टू आर बाई हंड्रेड इन टू टी आई सिंपल इंटरेस्ट है पी प्रिंसिपल अमाउंट है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी आपका क्या है टाइम है ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है अभी बच्चों को ये नहीं मैं पिछले क्लास में भी बोल दिया हूँ इस चैनल पर मैं इस बार लूँगा विकास धनंजय सबको तो हम ऐसा प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ ये सब प्रोपोर्शनल होता है अगर हमको पी निकालना है तो आई इन टू हंड्रेड आर इं टू टी अगर आई निकालना हो सॉरी अगर आपको आर निकालना हो तो आई इन टू हंड्रेड पी इं टू टी और टाइम निकालना हो तो आई इन टू हंड्रेड क्या हो गया आर इन टू पी पी आर इन टू पी तो ये आप बेसिक फार्मूले को याद रखिए कई बार आपके बुक में क्या किया है कि आर बाय हंड्रेड को आई माना है तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पी आर टी का पी को अगर डबल कर दोगे तो आई भी डबल हो जाएगा आर को डबल कर दोगे तब भी आई डबल हो जाएगा टाइम को डबल कर दोगे तब भी आई क्या होगा डबल हो जाएगा ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई सभी बच्चों को तो आई बराबर हो गया पी इंटू आर बाय हंड्रेड इंटू टी इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए नौ no. अगर हमको अमाउंट निकालना है अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद टोटल वैल्यू क्या होगा तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए पी प्लस हम क्या करते हैं आई तो पी प्लस आई बराबर क्या होता है पी आर बाय हंड्रेड को अगर हम आई लिख दें तब भी चलेगा आपके बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ है तो ये आपका जनरल दो फार्मूला है इस दो फार्मूले का आधार पर हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं ज़रूर आई सी आई फोर ए ठीक है और टॉपर बुक जिसका भी मर्जी हो आप सवाल पूछ सकते हैं हम आपको बताएंगे सचिन जी राधे राधे आपने राधे राधे लिखा तो हमने भी राधे राधे से आपको जवाब दिया चलो फोर एरा आ जाइए और कोई सवाल आपके मन में हो कोई भी हो तो नहीं तो मैं एक दो सवाल अपने तरफ से बता देता हूँ अभी हम आई का बुक ले का बुक सवाल बता रहे हैं और टॉपर का भी बुक पढ़ोगे आप लोग टॉपर में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं पूछ सकते हैं राइट तो ये बात आप लोगों को समझ में जल्दी जल्दी आ जानी चाहिए ठीक है तो चलो जी काम करते हैं क्या काम करते हैं एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर भी साथ रखिए कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर आठ एट नंबर अभी बता देता हूं एट नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से टॉपर बुक का ही है विकास जी देखो एक सामंजस्य हमेशा आप रखिए एडजस्टमेंट पी इन टू आर बाय हंड्रेड इन टाइम ध्यान दो आर और टी अगर टी ईयर में लोगे तार भी पर एन होगा टी अगर मंथ में लोगे तार भी मंथ में लेना होगा अगर आर आप ईयर में लेते और टी मंथ में लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी तो टी को भी आपको ईयर में बदलना पड़ेगा देखा एक बच्चे का भी आया उनको मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है टॉपर्स है नंबर एट अभी बता रहा हूँ टॉपर्स वाले को भी, भी मैं बता रहा हूँ टॉपर्स का भी बात अभी मैं खोल रहा हूँ पहले टॉपर्स वाले की भी बात कर रहा हूं ये क्लियर कर दीजिए सबको कि टॉपर का या आईसीआई का टॉपर नंबर एट धनंजय विकास है ठीक है दोनों सब बता रहा हूं सम रिक्वायर्ड एट नंबर पहले आईसीआई का बता रहे हैं फिर टॉपर का लेते हैं पहले आईसीआई का पूछ लीजिए आईसीआई का खत्म हो जाए फिर मैं टॉपर का ले रहा हूँ दिसम रिक्वायर टू आर ए मंथली इंटरेस्ट बारह परसेंट अठारह परसेंट मंथली बोल रहा है तो आई निकालना है मंथली पी आपका क्या दिया हुआ है पी आपका दिया हुआ है ट्वेल्व हंड्रेड और दूसरा आपका क्या है सम रिक्वायर टू आर ए मंथली इंटरेस्ट है बारह सौ ध्यान दो देखो आप जब भी कोई सवाल पढ़ते हो तो दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें क्या एक नंबर पॉइंट आई पी आर टी और ए यही पाँच में कोई न कोई दिया रहेगा कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आई पी आर टी और ए इसमें आपको क्या होना चाहिए पता सही से होना चाहिए ये जब आपका पता हो जाएगा आई पी आर टी और ए तब आपका क्या होगा कि काम करने में आपको आसानी होगी जब तक इसके आइडेंटिफिकेशन में आपको दिक्कत होगा तब तक परेशानी होगी तो आठ नंबर सवाल देखिए क्या क्या दिया हुआ है पहले मैं फार्मूला लिख दूँ जो जो दिया हुआ है आप लिख लीजिए आई दिया हुआ है कितना बारह सौ है पी निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट अठारह परसेंट पर है ना मैं मंथली इंटरेस्ट चाहिए आपको तो अठारह परसेंट ये टी एक मंथ है तो वन बाय ट्वेल्व कर लीजिए इसको भी बना लो तो पी फाइंड आउट नहीं कर लोगे तो जो पी का वैल्यू है वो अपने आप आपको फाइंड आउट हो जाएगा ये बात क्लियर हो गया सभी को गुड इवनिंग सभी को एक साथ जो जो आप ज्वाइन कर रहे हैं सभी को गुड इवनिंग आठ नंबर पॉइंट समझ गए सभी बच्चे नाइन नंबर पॉइंट देखिए नाइन नाइन सवाल मैं कहता है देखो कैसे पकड़ते हैं कि अमाउंट है एक सर्टेन टाइम पीरियड अभी बता रहा हूँ नाइन नंबर नाइन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ आई आए बुक का आई आए बुक नाइन नाइन नंबर बहुत अच्छा सवाल है जब कोई भी वैल्यू एक टाइम पीरियड के बाद दिया हुआ रहे कोई भी वैल्यू क्या हो एक टाइम पीरियड के बाद दिया हो तो कोई भी वैल्यू बेटा जब एक टाइम पीरियड के बाद दिया हो तो अमाउंट होगा दो साल के बाद किसी चीज़ का वैल्यू है बासठ और तीन साल के बाद है सेवेंटी फोर हंड्रेड तो पी और आर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अमाउंट बराबर फार्मूला लेके पी वन प्लस आई टी पी वन प्लस आई मालूम नहीं कितना साल के बाद बोल रहा है दो साल तो टू आई ये दिया है सिक्सटी टू हंड्रेड वन नंबर दूसरा है पी वन फिर क्या कर रहा है तीन साल के बाद बहुत धासु क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सवाल को अगर आप बनाना चाहते हो सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो एक तरीका क्या है कि एक तरीका है बेटा किससे इसको आप डिवाइड कर दो वन डिवाइड बाय टू अगर कर दोगे ये तरीका है लेकिन मैं ये नहीं आपको बताऊँगा कैसा करना है वन आई जी थ्री आई डिवाइड कर दो शॉर्ट सौ बाय चौहत्तर सौ पी से पी कट गया जीरो जीरो आई का वैल्यू आप निकाल दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आई आएगा सौ से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज में आई का सॉल्व करोगे वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री वन फाइव सेवन आएगा चूंकि आई बराबर आर बाय हंड्रेड होता है तो आर बराबर क्या होगा तो आई बराबर सॉल्व करने से आएगा तो आर बराबर परसेंटेज में निकालोगे फिफ्टी सेवन परसेंट लेकिन सवाल ऐसे नहीं बनाना है देखो अगर आपको आई का वैल्यू पूछे या पी का वैल्यू पूछे तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन हमको ऑप्शन में बेटा पी और आई दिया हुआ है तो पी और आई दिया हुआ है तो आप जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप पहले ऑप्शन नंबर ए चलो ऑप्शन नंबर ए में क्या है पी पी आपका दिया हुआ है थर्टी एट हंड्रेड यहां थर्टी एट हंड्रेड रखिए ठीक है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए मेरे पास नहीं है आप यूज करेंगे पी है थर्टी एट हंड्रेड ए नंबर ऑप्शन चलिए वन प्लस टू आई का वैल्यू आई है थर्टी वन पॉइंट फाइव सेवन परसेंट परसेंट हटाओगे तो क्या होगा कैलकुलेटर से चेक करो ये अबाउट टू आंसर आना चाहिए हाँ ऑप्शन से कर लेंगे पहले ये इन टू ये करोगे कैलकुलेटर पर एक टाइम में एक शॉट में फिर एक जोड़ोगे ये मल्टीप्लाई करोगे इधर वाला वैल्यू चेक कर लोगे ये अबाउट टू आंसर आएगा चूंकि आई आए का वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं आ रहा है तो पी और आर दिया हुआ है तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं सभी बच्चों को आ रहा है समझ में ये बात बहुत अच्छी बात है एक बच्चा क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा नाइन टेन पूछ रहा है आई सी आई आए टेन देते हैं जी आई सी आई आए टेन सबके पास टॉपर की भी बुक होनी चाहिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ हम एक्स्ट्रा सवाल भी आपको देंगे और उसका भी सवाल पूछेंगे मैं टाइप करवा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा सवाल और भी जो सैंपल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उसका भी हम डिस्कशन करेंगे पहले टॉपर पहले हम आई का करेंगे फिर टॉपर का करेंगे और फिर जो मैं आपको सैंपल पेपर पर भेजूंगा उसको करना है और फिर देखेंगे कि पंद्रह में पंद्रह सवाल ये आपका अपना हुआ आई आई में क्वेश्चन नंबर टेन देखिए ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन टेन ईयर्स तो ट्रिपल कितना होगा ठीक है डबल अगर टेन ईयर्स में हो रहा है तो आप ऐसे बनाओगे ऐसे इसका शॉर्टकट भी है लेकिन एक सवाल के लिए कितना शॉर्टकट आप याद रखोगे ठीक है तो डबल है तो मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है सौ ये आप ऐसे समझिए डबल हो रहा है दस साल में तो डबल का मतलब ये हो गया दो सौ कितना साल में डबल हो रहा है दस इससे आर निकलेगा आई निकाल लो ये माइनस ये कितना हो गया सौ तो इससे आर फाइंड आउट हो जाएगा आर क्या हो आर का वैल्यू क्या होता है आई इन टू हंड्रेड पी ये याद रखिए ये बार बार लिखना नहीं पड़े तो सौ इंटू सौ और डिवाइडेड बाय सौ इंटू टी या टेन तो दस परसेंट हो गया आर निकल गया अब कहता है क्या है कि कितने साल में तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है आप सौ भी मत लिखिए एक रुपया मान लो ये दो रुपया ये एक रुपया हो जाएगा तो जीरो भी लिखना नहीं पड़ेगा इस तरह से भी सवाल आप बना सकते हैं राइट तो दूसरा सेगमेंट लेंगे कितने साल में अब निकल गया दो सेगमेंट है इसका तो नंबर ऑफ ट्रिपल ट्रिपल का मतलब है पी एम सौ मान लेंगे अमाउंट हम मान लेंगे 300, सौ आई कितना होगा इससे ये माइनस कर दीजिए 200, सौ और आर दिया है तो टी आई इन टू हंड्रेड आई कितना है 200, हंड्रेड 100, सो पी आपका 100, और आर कितना है 10 परसेंट ये कट गया कितना हो गया 20 ईयर्स, तो कितना साल में ये क्या कह रहा है ट्रिपल हो रहा है तो ट्रिपल कितना साल में हो रहा है ट्वेंटी ईयर में ठीक है एक आइडिया आप इसमें बना सकते हैं लेकिन यह आइडिया कहाँ पर चलेगा केवल सिंपल इंटरेस्ट में चलेगा सिंपल इंटरेस्ट के अलावा और कहीं नहीं चलेगा क्या चलेगा सिंपल इंटरेस्ट में यहां नॉट में लिख देता हूं शॉर्टकट शॉर्टकट में लिख देता हूं अगर आ जाए सवाल तो डायरेक्ट कर दीजिए डबल अगर होगा एन ईयर्स में तो ट्रिपल हमेशा टू एन ईयर्स में होगा याद रखिएगा डबल में दस साल में अगर क्या हो रहा है डबल हो रहा है तो ट्रिपल कितना होगा बीस साल में डबल में डायरेक्ट कर देंगे और उल्टा भी अगर ट्रिपल हो रहा है तो डबल भी हम निकाल सकते हैं इधर से इधर और इधर से इधर तो डबल जितना समय में होगा ट्रिपल उसके दुगने समय में होगा लेकिन यह कहां पर होगा ये केवल सिंपल इंटरेस्ट में ही लागू होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में लागू नहीं हो सकता है। ठीक है ये भी बात आप लोगों ने समझ लिया अब हम लोग टॉपर वाले बुक पर आ जाए आईसीआई आई बुक का हो गया तो टॉपर बुक में एक बच्चा नंबर आठ नंबर सवाल पूछा है वेरी गुड अरे आप लोग कहें आप लोग पढ़ो तो मैं तो दिन रात पढ़ाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को एक एक करके सब हम रिवाइज़ करवा देंगे इसी तरह से आप जुड़े रहिए साथ में साथ में जी आप लोग जुड़े रहिए तो हम काम आपको करवाते जाएंगे एक क्वेश्चन नंबर आठ है देखिए वैसा ही सवाल है क्वेश्चन नंबर एट रेट ऑफ बिकम फोर टाइम्स है पंद्रह ईयर से जीत रेट पूछ रहा है तो सौ रुपया चार सौ रुपया हो गया कितने साल में पंद्रह साल में आर नहीं निकलेगा ये अब निकाल लोगे ये सवाल हो जाना चाहिए अब कितना हो गया आठ नंबर सवाल कि पंद्रह साल में हो गया जी पी आप सौ रुपया मान लो एक रुपया भी मान के बना सकते हो अमाउंट हो गया चार रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा इधर तीन रुपया कितने साल में टी पंद्रह साल में और फाइंड आउट नहीं हो जाएगा आई टू हंड्रेड पी टू टी टी हो गया पंद्रह हो गया थ्री जी बीस परसेंट हो गया बीस परसेंट आंसर इस तरह से आप टिक लगा सकते हो सत्यम साहू अच्छा जी टॉपर्स बुक एक ग्यार है ग्यारह सत्यम साहू दो नंबर किसका टॉपर का दो भी वाला भी बता दूं जी दो देखिए टॉपर की बुक अभी हम टॉपर बुक चला रहे हैं टॉपर बुक टॉपर बुक में जिनको जिनको पूछना है आप पूछ सकते हैं टॉपर बुक देखिए क्वेश्चन नंबर टू सभी को ध्यान में देखिए आप लोगों के पास भी बुक होगा क्वेश्चन नंबर टू देखिए रीना टू के लोन है बारह सौ एज मैनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सी पेड चार सौ बत्तीस है बारह सौ रुपया लोन के रूप में लेता है जो लोन है वह प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर चार सौ बत्तीस रुपया इंटरेस्ट कमाते हैं कहता है रेट और टाइम सेम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है तभी बता देता हूँ ये आप दो नंबर सवाल आई बराबर बेटा जी पी इंटू आर इंटू टी आई क्या कहता है चार सौ बत्तीस है आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो पी पूछ रहा है आर वही है जो टी है नहीं ये बारह सौ है सॉरी ये बारह सौ है ये चार सौ बत्तीस है आर बाय हंड्रेड और टी भी आपका आर है तो आर फाइंड आउट कर लोगे अब इधर से इधर क्या हो जाएगा ये डिवाइड कर लोगे आर स्क्वायर आर बराबर रूट कर लेना हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर ग्यारह बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ग्यारह का डी होगा गलत है आंसर इसका क्वेश्चन नंबर इलेवन कोई बच्चा पूछ रहा है अभी बता रहा हूँ टॉपर वाले बुक का द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सब ऑफ मनी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्टी बहुत अच्छे से पढ़िए दस से पंद्रह सवाल आते हैं और एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मैं बार, बार बार बात आपको बता रहा हूँ राइट right? तो एकदम उत्साह के साथ पढ़िए सिंपल इंटरेस्ट आठ परसेंट पढ़े नम सिक्स ईयर है हाफ द सम है जितना पैसा लगाते हो इसका थोड़ा आंसर गलत है ग्यारह का डी होगा ऑप्शन पी इंटू आर वाई 100 इंटू टी राइट सात भी बताना है बता देता हूँ कहता इंटरेस्ट जो पैसा लगा रहे हो उसका आधा है पी आर वाई 100 आठ आठ परसेंट है ये छः है तो बेटा ये सॉल्व नहीं होगा पी से पी कट जाएगा इसलिए डाटा इन एडिक्वेट है इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट तो इसका ऑप्शन सुधार लोगे क्वेश्चन नंबर सात सात देखिए सात नंबर में सवाल में क्या कह रहा है एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम टू लैंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट क्लेम करता है बेमान एज बट ही इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी सिक्स मंथ कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल तो करता है क्या आएंगे चार्जिंग दस परसेंट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए देखो इसका यह मतलब है बेटा जी सात नंबर इसका यह मतलब हुआ दस है दस भी बता देता हूं थोड़ी देर में दस वाला अभी तुरंत एक टेक्निक पढ़ाए थे उसी से आप बना सकते हो शॉर्टकट वाला जो है अभी बता देता हूं कहता है क्या है कि एवरी छः महीना में वह इंटरेस्ट जोड़ देता है ऐसा सवाल में कह रहा है तो एवरी छः महीना में बेटा अगर इंटरेस्ट को जोड़ रहा है एवरी सिक्स मंथ में तो यह सिंपल इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं रहा लेकिन आप सवाल बनाइए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझिए कि एक साल के एंड में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नॉट में आप समझ जाइए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन रुपीज हंड्रेड एट द एंड ऑफ वन ईयर एक साल के एंड में ये कॉन्सेप्ट याद रखिए एक साल के एंड में ये डायरेक्ट ये इफेक्टिव बताने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी यूज़ करेंगे तो कहता है जी कि एक साल के एंड में सौ रुपये पर जो भी आदमी जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बेटा वो इफेक्टिव कहलाता है ये बात आप समझ लीजिए तो सौ रुपये पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो उसका क्या कहलाएगा इफेक्टिव कहलाएगा अब देखो एवरी छः महीने में तो पहले छः महीने में इंटरेस्ट क्या है सौ रुपया यह देखिए पहले छः महीने में दस परसेंट है छः महीने मतलब छः बाय बारह बार पाँच रुपये हुआ और अगले छः महीने में ये कहता है प्रिंसिपल अमाउंट में काउंट कर देता है अब जो है एक सौ पाँच रुपये पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो अगले पाँच ये है जी कितना हो गया दस परसेंट सॉरी अगले छः महीना में इंटरेस्ट पाँच रुपये पच्चीस पैसे तो टोटल तो इंटरेस्ट कितना ले लिया टोटल टेन पॉइंट टू फाइव तो सौ रुपये पर दस रुपया पच्चीस पैसा वो इंटरेस्ट ले रहा है सौ रुपये पर कितना इंटरेस्ट ले रहा है दस रुपया पच्चीस पैसा यही परसेंटेज आपका इफेक्टिव हुआ कोई चीज सौ पर चार्ज कर रहा है तो सौ का मतलब परसेंटेज एक साल के एंड में जितना होगा वही उसका क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा क्लियर हो गया हाँ तो पांच पच्चीस ये और अब पहले छह महीना में पांच रुपया लिया और अगले छह महीना में पांच रुपये पच्चीस पैसे लिए तो टोटल कितना लिया टेन पॉइंट टू फाइव तो इसका इफेक्टिव टेन पॉइंट टू फाइव परसेंट होगा राइट एक सवाल जो है नाइन नंबर पूछा था एक शॉर्टकट अभी पढ़ाए थे जस्ट वही सवाल है शॉर्टकट पढ़ाए थे कि डबल अगर हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट में फॉर एस आई के लिए केवल लिखा रहा हूं कि अगर डबल हो रहा है एन ईयर्स में तो ट्रिपल होगा इसका उल्टा ट्रिपल होगा टू एन ईयर्स में तो उल्टा हो गया ट्रिपल अगर दिया हुआ है डबल पूछे तो आधा समय में नहीं हो जाएगा तो वही सवाल कह रहा है कि एट नंबर सवाल जो बच्चा पूछ रहा है एट नंबर एट नंबर पूछ रहा है एट नहीं नाइन नाइन है नहीं टेन नंबर क्वेश्चन सॉरी ये टेन नंबर क्वेश्चन है कि सम ऑफ मनी ट्रिवेल फिफ्टीन ईयर सिक्स मंथ ट्रिवेल हो रहा है फिफ्टीन ईयर सिक्स मंथ तो डबल क्या होगा इसका आधा कर दीजिए ये हो गया सेवन ईयर सिक्स मंथ पंद्रह साल का और छः महीने का तीन मंथ हो गया तो टोटल कितना हो गया पंद्रह ईयर का क्या होगा सेवन ईयर सिक्स मंथ आधा सिक्स मंथ का हो गया थ्री मंथ तो टोटल कितना हो गया सेवन ईयर्स नाइन मंथ आ गया क्लियर सबको जो दस नंबर सवाल पूछ रहे हो ग्यारह हमने चर्चा कर दिया है पीछे जो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए थर्टीन थर्टीन अभी आ जाते हैं थर्टीन कहता है कि टू इक्वल सम ऑफ मनी लेंट है जी ग्यारह परसेंट साढ़े तीन साल और साढ़े चार साल लिया डिफरेंस ऑफ टू पीरियड इतना है देखो क्वेश्चन नंबर यहां थर्टीन सभी बच्चे दो जगह पैसा आप लगाते हो यहां भी पी यहां भी पी एक लगाया जी कितना ग्यारह परसेंट यहां भी है ग्यारह परसेंट यहां है ये लगाया साढ़े तीन साल ये लगाया साढ़े चार साल तो ये दोनों में इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होगा वो किसके कारण से हो रहा है टाइम के कारण कितना टाइम है एक साल तो एक साल का इस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा तो जो एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा वही दोनों का डिफरेंस होगा बात समझ में आ रहा है तो क्या हो गया आई तो देखो इंटरेस्ट कैसे लिखोगे आई बराबर पी कितना है डिफरेंस कितना है पी लगाया पैसा ग्यारह परसेंट और जो टाइम में डिफरेंस है वो डिफरेंस ले लीजिए। ये दोनों का है चार सौ बारह रुपये पचास पैसे तो एक साल हो गया क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं चार सौ बारह रुपये पचास पैसे पी फाइंड आउट कर लोगे क्लियर क्वेश्चन नंबर चार भी पूछ रहा है अच्छा चार पॉइंट बारह क्वेश्चन नंबर चार मानव पूछ रहे हो टॉपर का हमको क्लियर करो फिर बताता हूं बारह नंबर क्वेश्चन तेरह के बाद चौदह और सोलह तो चौदह नंबर आप देखिए ध्यान से पढ़ो फोर्टीन नंबर मैं थोड़ा पानी पीता हूं तब तक कहता है बोरोड आठ सौ तीस फ्रॉम बी अच्छा ठीक है बता रहा हूं पहले फोर्टीन देख लीजिए आप जो है बोरो करते हैं बारह परसेंट सिंपल इंटरेस्ट जी है तीन साल के लिए ए बी से बोरो करता है कितना भैया आठ सौ तीस रुपया और वह सी को देता है आठ सौ तीस और प्लस अपने जेब से कुछ पैसा देता है यह बारह परसेंट पर उधार लेता है ध्यान दो और चौदह परसेंट पर इंटरेस्ट देता है कहता है उसका गेन कितना है नाइनटी ए का गेन है 93.90, थ्री पॉइंट नाइन जीरो सवाल का मतलब समझिए इंटरेस्ट में गेन क्या होता है इंटरेस्ट में जो गेन होता है बेटा वह इंटरेस्ट में जो गेन होता है वह क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू होता है तो इंटरेस्ट में जो गेन है वह क्या है सिंपल इंटरेस्ट है अब देखो, ए बी से उधार लिया चौदह परसेंट पर तो आठ सौ तीस रुपया पर कितना कमाया यह देखिए कितना साल के लिए तीन साल के लिए तो आठ सौ तीस रुपया पर वो दो परसेंट कमाया देखो ध्यान से तीन साल के लिए उधार लिया बारह परसेंट पर राइट और दिया सॉरी बारह और दिया चौदह परसेंट पर तो वहां से पैसा कितना कमाया दो परसेंट और जो तुमने जेब से पैसे दिए उसका चौदह का चौदह परसेंट आपका है तीन साल के लिए ये दोनों का सम है नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन जीरो राइट तो तुम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कर लोगे जरूर क्वेश्चन नंबर आठ भी बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर आठ बहुत आसान ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पूछ रहे हैं मैं बता देता हूं यह बात समझ में आ गई चौदह को सबका एक आठ नंबर सवाल है बता दें बच्चों का डिमांड आ रहा है रेट निकालना है बिकम फोर टाइम्स प्रिंसिपल अमाउंट ले लो जी सौ रुपया अमाउंट डब चार सौ रुपया इंटरेस्ट कितना कमाया माइनस करो तीन सौ कितना समय में पंद्रह साल में तो आर नहीं निकाल सकते हैं आई टू हंड्रेड पी टू टी पंद्रह निकाल लोगे बीस परसेंट हो गया आंसर ये जो आठ नंबर सवाल पूछ रहे हो उनके लिए आंसर है एक एक ग्यारह नंबर जो पूछ रहा है ये हो गया चौथा नंबर एक सवाल पूछ रहा है बच्चा जरा ये देख लो नंबर चार नंबर क्वेश्चन जरा देखिए कथा एक सर्टेन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट सत्रह सौ पचास आफ्टर सेवन ईयर ध्यान दो हैड द इंटरेस्ट टू परसेंट मोर कोई पैसा लगाते हो सिंपल इंटरेस्ट कमाते हो ये क्लियर होना चाहिए आई में क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दो यही तो चार चीज ढूंढना है कोई पैसा लगाते हैं सत्रह सौ पचास रुपया इंटरेस्ट कमाते हो अच्छी बात है कितना पैसा लगा है नहीं मालूम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये भी नहीं मालूम कितना साल में हम कमाते हैं टी टी कितना दिया हुआ है सात साल में इंटरेस्ट को दो परसेंट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बेटा इंटरेस्ट अगर दो परसेंट ज़्यादा हो गया तो इंटरेस्ट दो परसेंट ज़्यादा करने में पी का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए पी का वैल्यू यहां निकालना संभव नहीं है चूंकि दो है। देखो सवाल अगर रहता आर को हम डबल कर दें। तो आर अगर डबल कर देते तो आई को डबल हो जाता है डायरेक्ट टाइम्स में रहेगा तो निकल जाएगा लेकिन आर को दो परसेंट बढ़ाओगे तो दो परसेंट अगर बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा इसके लिए पी चाहिए और पी और आर में एक इक्वेशन है इसलिए नहीं निकल सकता है इसलिए चार का जो ऑप्शन नंबर डी होगा कांट बी डिटरम क्लियर एक सवाल पूछ रहा है फाइव फाइव तो आसान है देखो सिंपल इंटरेस्ट है नहीं सम मनी छे सौ है जी आफ्टर टेन इयर्स ये सब तो आप ठाकुर ये घर के वहां जाओगे गांव पर और गांव पर जो है साहूकार से पूछोगे तो डायरेक्ट सवाल आपको बता देगा पांच नंबर सवाल क्या करता है बेटा कि दस साल में छह सौ रुपया दस साल में कितना है छः सौ तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ इंटरेस्ट पर ईयर निकाल लो पर ईयर हो गया छः सौ बाय दस साठ रुपया अब इसमें एक ट्विस्ट कर दिया क्या पांच साल में पैसा ट्रिबल कर देते हैं तो देखो पहले दस साल है पांच साल में तो पी है उसके बाद कर दिया थ्री पी तो पी पर तो इंटरेस्ट यही मिलेगा तो पहले पांच साल ये इंटरेस्ट मिला और तीन गुना करेगा तो इंटरेस्ट भी तीन गुना मिलेगा अगले पांच साल ये इंटरेस्ट मिलेगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ तीन सौ और प्लस नौ सौ कितना हो गया बारह सौ आ गया समझ में इंटरेस्ट आपका क्या हो गया सचिन यही बात है बेटा क्या करें तुम लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं नाइन्थ टेंथ अलेवेंथ की भी क्लासेस होते रहती है जो भाई बहन बंधु हो उनको भी क्लास दिलवाओ आप हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर हो ठीक है हम चाहते हैं जी कि मैथ सब सीखे और मैथ से कोई घबराए नहीं हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और आप हमारे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं तो पाँच नंबर हो गया एक बारह नंबर का बहुत बात आ रहा है बारह नंबर भी बता देता हूं क्वेश्चन नंबर बारह ए सम ऑफ मनी बिकम सेवन बाय सिक्स ऑफ इट सेल्फ इन थ्री इयर प्रिंसिपल अमाउंट पी मान लीजिए अमाउंट सेवन बाय सिक्स पी हो गया इसको पी को आप एक रुपया भी मान सकते हैं सौ रुपया भी मान सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को पी मान लो तो आई क्या होगा माइनस हो जाएगा वन बाय सिक्स पी तो लगाओ आई बराबर पी आर बाय हंड्रेड इन टू टी ये हो गया वन बाय सिक्स पी ये पी है आर क्या है तीन साल आर निकालना है टी है तीन साल पी से पी कट जाएगा आर फाइंड आउट नहीं होगा आर आप आसानी से निकाल सकते हैं क्लियर हो गया बारह एक उन्नीस नंबर का डिमांड आ रहा है चलो उन्नीस नंबर भी देख लेते हैं उन्नीस नंबर के लिए कथा व्हाट एनुअल पेमेंट डिस्चार्ज एडेप सोलह हजार चार सौ पचास ड्यू इन फोर इयर्स एट पांच परसेंट सिंपल इंटरेस्ट देखो इस सवाल को आप प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू से निकालोगे तो फंस जाओगे हम फ्यूचर वैल्यू से निकाल देते हैं छ हजार चार सौ पचास रुपये का चार साल में एनुअली इक्वल देना है छ हजार चार सौ पचास ये भी एक्स है पहला साल दूसरे साल भी एक्स ये चार इक्वल इंस्टॉलमेंट है हम क्या करते हैं यहां पर दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर सबका वैल्यू निकालते हैं बताओ यहां पर एक्स का वैल्यू एक्स ही होगा पी वन प्लस आई टी इस पर एक साल का इंटरेस्ट इसमें चूंकि टाइम जीरो है तो यहां पर डिस्चार्ज करना है तो सभी का वैल्यू यहीं पर निकालिए तो जो पैसा आप दे रहे हो सबका वैल्यू निकालो चार पर इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं इस पर एक साल का इंटरेस्ट जोड़ो आई कितना है बेटा इसमें पांच परसेंट है टी है एक साल इसमें दो साल होगा और ये हो गया जी तीन साल ये जो पैसा आप दे रहे हो इसका टोटल वैल्यू हुआ जहां से लोन लिए उसका टोटल वैल्यू कितना होगा चार साल के एंड में देखिए 6450 का टोटल तो ये टोटल सम कितना आना चाहिए one one x 1.10x बराबर इसका वैल्यू चार साल के अंत में इसी से निकलेगा 6400.1 हजार प्लस यानी 6450 चार सौ पचास इंटू वन पॉइंट टू जीरो अब इस एक्स का वैल्यू एक्स कॉमन ले लो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लो इतना बड़ा सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा तो आप वही काम करें कि जिस पॉइंट पर आपको निकालना है तो आप जो पैसा दे रहे हो एनुअली उसका टोटल वैल्यू निकाल लो विथ इंटरेस्ट और जहाँ से लोन रहे उसका भी टोटल वैल्यू वहाँ पर निकाल लो और दोनों को इक्वेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लो ठीक है आप हमारे आई सी आई गुरुदेव थैंक यू उन्नीस नंबर है इक्कीस नंबर देखिए कहता है कि चार छह और आठ परसेंट में पैसा लगाते हो आप छब्बीस सौ मनी इन्वेस्टेड इन फोर परसेंट ये पूछ रहा है ध्यान दो मान लेते हैं चार परसेंट में एक्स रुपया लिया रुपएज में छह परसेंट में वाई और आठ परसेंट में जेड कथाई अर्ली इंट ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑल थ्री केसेस कहां पर एट द एंड ऑफ ईयर एक साल के एंड में तो इसका बनाओ इक्वेशन चार परसेंट एक साल छ साल बराबर हो गया जी जेड आठ परसेंट एक साल सब बराबर है सब सौ कट गया टू से कट के क्या हो गया टू एक्स थ्री वाई फोर जेड हो गया ये मान लो के क्या मान लेते हैं के एक्स बराबर के वाई टू वाई है के वाई थ्री और जेड क्या हो गया के वाई फोर बस निकाल लो एक्स वाई जेड बराबर छब्बीस सौ तो के का वैल्यू निकल आएगा यहाँ रख देना हो गया चार परसेंट ये सब इक्वल है तो एक तो सवाल ऐसे बना सकते हो दूसरा इसका रेशियो भी निकाल सकते हो एक्स वाई जेड का रेशियो कैसे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकाल लो के वाई टू के वाई थ्री और के वाई फोर ये पढ़ाया था शॉर्टकट भी के हट जाएगा टू थ्री फोर का एलसीएम कितना होगा बारह बारह मल्टीप्लाई करो तो छः रेशियो चार रेशियो थ्री इसमें पैसा बांट दो चार परसेंट में कितना होगा आप ऐसे भी बना सकते हो नोट में या के मान के भी बना सकते हो आ गई बात समझ में आ गया समझ में बच्चा पूछ रहा है बीस अभी बीस बता देते हैं इक्कीस आया समझ में तो ये सब बात लिखने का एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है एक्स वाई जेड दिमाग में मानो ये बराबर कर लो ये आ गया बस इसको के मानो एक्स क्या होगा के बाय टू के बाय थ्री जोड़ जोड़ दो के निकाल के एक्स का वैल्यू फाइंड हो दो तीन स्टेप में सवाल बन जाएंगे तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है दिमाग में आपको क्या करना है कि जो कैलकुलेशन हो जाए वो दिमाग में कैलकुलेशन करना है और जब दिमाग में आप कैलकुलेशन करोगे तब जाके बात बनेगी बहुत अच्छे से राइट एक ही साहब समझ गए जो जो आपके दोस्त नहीं ले पा रहे हैं क्लास या नहीं ले रहे हैं उनको भी आप बोलिए सबको बोलिए ताकि सारे बच्चे जो है ले सकें क्लास सभी को फ़ायदा हो ये नहीं का अपने फायदा ले लो और दूसरे का फायदा मत दिलाओ नहीं सबको सर क्वेश्चन नंबर सोलह और सत्रह भी आया है अभी बीस बता के सोलह सत्रह भी कर लेते हैं बीस कहता है दस हजार को चार पार्ट में बांटिए आठ परसेंट है जी दो हजार साढ़े सात सत्रह परसेंट है चार साढ़े आठ परसेंट है चौदह सौ बाकी को रिमाइंडर को किस परसेंट में एवरेज एनुअल ही है देखो एवरेज एनुअल से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा एवरेज और बाकी से सो होगा वह सब बराबर हो जाएगा कैसे दो हजार रुपये पर लगाता है वही फॉर्मूला लगाइए टी दो हजार पर कितना है बेटा आठ परसेंट आठ परसेंट एनुअल है तो एक साल प्लस चार हजार पर है साढ़े सात परसेंट पंद्रह बाय दो परसेंट एक साल प्लस साढ़े आठ परसेंट है चौदह सौ पर साढ़े आठ का मतलब हो गया सत्रह बाय दो परसेंट कथा रिमाइंडर रिमाइंडर कितना बचा दस हजार टोटल पैसा है तो दो हजार प्लस चार हजार छह हजार सात हजार चार सौ तो दस हजार में सात हजार चार सौ माइनस कर दो छब्बीस सौ 2600 पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो नहीं मालूम ये होने से क्या होगा दस हजार एवरेज कितना बनता है बेटा एवरेज से क्या होगा इंटरेस्ट 8.13 परसेंट तो एवरेज से जो टोटल इंटरेस्ट होगा और इंडिविजुअल से जो टोटल इंटरेस्ट होगा उसका सम बराबर होगा एवरेज को अपने चैप्टर में स्टेटिक्स में पढ़ाया था एक आदमी का वेट साठ के एक आदमी का वेट पचास के जी 110. एवरेज निकालोगे पचपन तो पचपन प्लस पचपन एक सौ दस तो एवरेज से जो टोटल इंटरेस्ट होगा और जो इंडिविजुअल पैसा लगा रहे हैं उसका जो टोटल इंटरेस्ट होगा ये दोनों हम क्या करेंगे बराबर करके दोनों साइड करके आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ये नाइन नंबर सवाल बेटा सुना लिया अभी हमने बता दिया इसका वीडियो आप पीछे से देखोगे मिल जाएगा अच्छा चार सी है अभी चार ए डिस्कस कर रहे हैं अभी आ रहे हैं सीम भी आएंगे बेटा एक एक करके आएंगे आपको कैसे पढ़ना है पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़े आईसीआई के बुक से फिर सिंपल इंटरेस्ट टॉपर वाले भी बुक से फिर हम ये बढ़ाएंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा होगा ए बी सी सब बताएंगे ठीक है लेकिन एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा हम सब बताएँगे सुनाली ठीक है दस ग्यारह भी बनेगा चार सी है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल है तो चार सी वाले में हम जब आएंगे तो वहाँ पर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे राइट आप उदास नहीं हो आज जितना हो सकता है उतना करेंगे फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे ठीक है कल तो इंडेक्स नंबर हो रहा है वही चलेगा परसों फिर हम इसको मिलेंगे शाम में जो स्केडूल्ड है मंडे वस्डे फ्राइडे उसमें जैसे चल रहा है वो चलेगा और ये रिवीजन चलते रहेगा रात में आठ बजे से नौ बजे दस बजे जब तक जो है तब तक चलते रहेगा सोनाली बात आपको समझ में आ रही है चार सी आज तो नहीं हो पाएगा चार ए में अगर कोई सवाल हो तो पूछिए टॉपर वाली बुक में पूछिए चार सी भी आए होगा लेकिन अभी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर बीस हो गया इक्कीस हो गया अब सब हो गया अब चार ए आते हैं जरा सा उन्नीस है उन्नीस बताना गुरुजी, टॉपर का अभी देख रहे हैं उन्नीस टॉपर वाला पढ़ा दिया बेटा अभी पीछे है देख लेना तुम ठीक है इसको आप शुरुआत से देखिए हो जाएगा चार इक्कीस चार इक्कीस भी हो गया ये सब हो गया है अभी तुरंत पढ़ाए सारे आप चार आप शुरू से देखो ये सब मिल जाएगा आपको चार ए के बुक का कोई सवाल हो तो ठीक है टॉपर सोलह और सत्रह सोलह और सत्रह डिस्कस नहीं किए हैं शुरुआत से ज्वाइन करना होता है हाँ, सोलह और सत्रह बता देता हूँ टॉपर के बुक का सोलह नंबर अच्छा सवाल है आया हुआ है व्हाट शुड बी द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर ये छब्बीस सौ सिक्स टू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज आई बराबर पी इंटू बाय हंड्रेड इंटू टी एक, एक करके थोड़ा रुक जाओ पी आपका कितना है छब्बीस सौ आर का वैल्यू है सिक्स एंड टू बाय थ्री परसेंट छिया अठारह ट्वेंटी बाय थ्री टाइम ये दोनों काटिए ये।, ये सवाल है फिलोसफिकल का ऐसा कौन सा वैल्यू हो जी जी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूपी में बदल जाए तो का मिनिमम वैल्यू थ्री होगा मिनिमम तब ने तीन से तीन कट के एग्जैक्ट में बदल जाएगा इसलिए इसका आंसर क्या होगा थ्री ऑप्शन के हिसाब से भी चुनिए क्या का वैल्यू दो पुट करने से काम हो जाएगा नहीं थ्री होने से हो रहा है लिस्ट बोल रहा है तो लिस्ट में टी बराबर थ्री राइट ये क्वेश्चन नंबर सत्रह पूछ रहा है बच्चा सिंपल इंटरेस्ट एन बी फाइव रेशियो फोर है दोबारा बता दूं सत्यम साहू इक्कीस इक्कीस भी बताना दोबारा अच्छा जी सत्रह जी की दो बैंक में पैसा लगाते हैं फाइव रेशियो चार में तो एक को हम फाइव के परसेंट मान रहे एक को फोर के परसेंट कथा ऐसा पैसा लगाते हैं कि हाफ ईयर में दोनों से इंटरेस्ट क्या इक्वल मिलता है तो लगा दो एक में पैसा पी वन लगाते हैं हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऐसे शॉर्टकट भी होता है लेकिन उतना शॉर्टकट कितना याद रखोगे थोड़ा सा ही सब में काम कर लो हो जाएगा हाफ ईयरली बराबर कर दो सौ से सौ कट गया के से के कट गया क्या होगा पी वन बाय पी टू फोर बाय फाइव हो गया आंसर फोर रेशियो फाइव ठीक है इक्कीस में सवाल में कुछ था नहीं बेटा इक्कीस में क्या करना था यहां देखते छब्बीस सौ को तीन पार्ट में लगाना यही देखिए छब्बीस सौ में चार परसेंट में हमने एक्स माना छह में वाई और आठ परसेंट में जेड करा ईयरली इंटरेस्ट इक्वल है तो ईयरली इंटरेस्ट को हमने बराबर कर दिया देख लो ईयरली इंटरेस्ट को हमने बराबर कर दिया तो सौ 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 कट गया चार छ और आठ में दो कॉमन है तो दो हट गया टू एक्स थ्री वाई फोर जेड के मान लीजिए एक्स बराबर के बाय टू के बाय थ्री के बाय फोर और सबका सम है छब्बीस सौ तो के बाय टू प्लस के बाय थ्री प्लस के बाय फोर करके के निकाल के चार परसेंट में कितना पैसा लगाया पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू निकाल लो एक तो तरीका ये है दूसरा है कि रेशियो में बदल लो रेशियो में बदल लो छः चार दो इस रेशियो में छब्बीस सौ को बांट दो तो एक्स में कितना पैसा जाएगा ये निकल जाएगा ये भी बात हो सक हो जाएगा क्लियर है क्वेश्चन नंबर सोलह रिपीट सोलह देखो कहता है कि छब्बीस सौ रुपये को लगाते हो सिक्स टू बाय थ्री परसेंट तो ट्वेंटी बाय थ्री परसेंट टाइम कहता है टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि एग्जैक्ट रुपये में बदल जाए पांच सौ बीस बाय तीन है टी बताओ टी का वैल्यू क्या होना चाहिए कि एग्जैक्ट रुपये में बदल जाए मिनिमम तो टी का मिनिमम वैल्यू थ्री होगा तो तीन रख दीजिए तीन से तीन कट गया हो गया 520, क्लियर क्लियर सबको तो सिंपल इंटरेस्ट आज सबको क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट करूं स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात याद रखिए है. देखते हैं कितना रिवीजन हो पाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में सर अब आईसीआई आईसीआई में चार ए में कोई सवाल हो तो बोलो चार ए में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं किसी को चार ए नहीं हो तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं हम एक एक करके सब बता देंगे चिंता मत कीजिए जो बच्चे सी आई ए में होता है जी अमाउंट बराबर पी वन प्लस आई टू दावर एन उिडी प्रिंसिपल अमाउंट है आई आर वाई हंड्रेड है एन आपका टाइम है सबसे पहले आई और एन को चेंज करना सीखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली रहेगा जो भी रहेगा अगर आपको कंपाउंडेड हाफ आप ईयरली कहे तो आई को भी हाफ ईयर में बदलना पड़ेगा और एन को भी हाफ ईयर में लेना पड़ेगा तो आई और एन को चेंज करने के लिए आना चाहिए ये सबको कॉन्सेप्ट मालूम है राइट तो ये सब को अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो काम आपका हो जाएगा तो ए बराबर पी वन प्लस आई टू दी पावर एन याद रखिए आई और एन में चेंज करने के लिए आना चाहिए कंपाउंडिंग कंडीशन के आधार पर तो कंपाउंडिंग कंडीशन के आधार पर आई और एन में अगर चेंज करने के लिए आपको आ गया तो बाकी का काम आप आसानी से कर सकते हैं राइट जैसे 12 परसेंट है हाफ ईयरली कहेगा तो आई कितना हो जाएगा 6 परसेंट क्वार्टरली कहेगा तो 3 परसेंट मंथली कहेगा तो एक परसेंट डिवाइड कर देना है तो ये बात सबको आना चाहिए अच्छा चलो कुछ सवाल करके अभी खाना खाने का समय हो गया शिवम का ओहो, कोई बात नहीं है खाना थोड़ा लेट भी खा लेंगे आज मूड है आप लोगों के साथ बात करने का पता नहीं कल होना हो करोना चल रहा है तो करोना में कल होना हो दिक्कत हो जाएगा सबको ठीक है फिर ऊपर जाएंगे। तुम लोग बोलोगे मास्टर पढ़ाया नहीं तो चार बी का कुछ सवाल हम लोग डिस्कस कर लें चार बी करने के बाद जो है सी आई का ये कुछ बच्चे चार सी पूछ रहे हैं तो जो चार सी पूछ रहे हैं उनको मैं अगले क्लास में चुकी एनवीटी है आज एनवीटी तो नहीं हो पाएगा एनवीटी जब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे तो वहां भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है एक इसमें आता इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यही अमाउंट हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा ये हो गया पी वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस पी राइट तो पी कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला हो गया और एक इसमें आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ सी आई स्टार्ट हो गया बेटा अभी चार बी चलेगा उसके बाद हम बात करेंगे रंजीत तो पी कॉमन ले लिया अब देखो ध्यान से एक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हमने पढ़ाया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि सौ रुपये का एक साल के एंड में जो इंटरेस्ट आप देते हो इफेक्टिव कहलाएगा सौ रुपये का तो सौ रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसी से फॉर्मूला हो गया सौ वन प्लस आई टू दी पावर माइनस वन तो ये सौ रुपये का एक साल के एंड में जो इंटरेस्ट हो वो इफेक्टिव कहलाएगा जैसे इफेक्टिव क्या है इसका यूज कहाँ होगा इफेक्टिव होता है जैसे हम होते हैं कहते हैं है कि क्वार्टरली मंथली तो जब हम उसको ईयरली में जैसे हम कहते हैं कि टेन परसेंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली जैसे एक सवाल अभी उधर पढ़ाए थे सिंपल इंटरेस्ट में दस परसेंट है तो दस रुपया लेकिन अगर हम हाफ ईयरली कर देते हैं तो टेन पॉइंट टू फाइव परसेंट हो जाता है तो इफेक्टिव है कि ईयरली के अलावा कोई अदर यार एन क्या है एन है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स फॉर वन ईयर अगर हाफ ईयरली कहेगा एन दो क्वार्टरली कहेगा एन चार समझ गए बात तो ये बात आप समझ लीजिए तो ए ईयरली के अलावा कोई अदर कंडीशन हो तो एक साल के एंड में उसका निकाल लो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इफेक्टिव कहलाएगा तो चलो इसी बात पर चार बी का कुछ सवाल हो जाए चलो हो गया रामलाल वाला सब काम हो गया अभी देखो हमको बहुत काम करना है ठीक है चार बी आ जाए क्वेश्चन नंबर है जी तीन देख लो सवाल पूछिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल तीन पर थ्री परसेंट पर एन एम पे हाफ ईयरली है इफेक्टिव पूछ रहा है हाफ ईयरली है तो तीन परसेंट का हो जाएगा डेढ़ परसेंट तीन परसेंट है पर एन एम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो तीन रुपया सौ रुपये पर अगर तीन रुपया है एक साल में तो छह महीने में उसका आधारित होगा ये बात आप समझ लीजिए एक साल में कितने हाफ इफ ईयर तो यहाँ इफेक्टिव का ये फॉर्मूला लगा दो लगा दोगे यहां कॉन्सेंट्रेट करो बच्चा ये जो निकलेगा वह इफेक्टिव हो गया सौ से मल्टीप्लाई कर सौ से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है आपके बुक में सौ नहीं दिया गया एक रुपया का इंटरेस्ट निकाला है तो एक रुपया का जब इंटरेस्ट निकाले इन टू सौ करके उसको परसेंटेज में चेंज कर लेना है ये क्वेश्चन नंबर चार देखिए सभी बच्चे ये क्वेश्चन नंबर चार देखिए डेप्रिसिएशन वाला जो सवाल है जरा बात को ध्यान से देखते हैं फॉर डेप्रिसिएशन ऑन डेमिनिशिंग वैल्यू हो डिशिंग और ओपनिंग वैल्यू ध्यान दो डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग या ओपनिंग वैल्यू हो तो देखो वही फॉर्मूला लगता है डेप्रिसिएटेड वैल्यू प्रजेंट वैल्यू वन माइनस आई हो जाएगा चूंकि डेप्रिसिएशन में वैल्यू घटता है वो या डी भी बराबर क्या हो गया हाँ वैसा भी कर सकते हो एक रुपया मान के तो डी भी बराबर होता है डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा फ्यूचर में होता है इसको हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो बचा वो हुआ डेप्रिसिएटेड वैल्यू अमाउंट वाले फॉर्मूला में क्या होता है अमाउंट अमाउंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट ये दोनों मिल आता था यहां डेप्रिसिएटेड वैल्यू भी फ्यूचर वैल्यू है यहाँ प्रेजेंट वैल्यू में डेप्रीसिएशन माइनस के आएगा वैल्यू तो ये ये हो गया फार्मूला याद रखिए पी भी उसका प्रेजेंट वैल्यू है जो मशीन की कीमत है तो इसके आधार पर काम कीजिए एक मशीन है बीस परसेंट रिड्यूजिंग बैलेंस पर है रिड्यूजिंग ओपनिंग डिमिनिशिंग एक ही है ओरिजिनल कॉस्ट है एक लाख और अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू एक लाख का मशीन वह क्या होता है कि 20% परसेंट के हिसाब से कितने साल में तीस हजार रुपये का हो जाएगा तो समय नहीं मालूम हो तो सलूशन चार देखिए डेप्रिसिएटेड वैल्यू है तीस हजार प्रजेंट वैल्यू है एक लाख वन है बीस परसेंट एन निकालना है इसको इधर ले आओगे तो क्या हो गया जीरो पॉइंट थ्री जीरो अब देखो ऑप्शन में एन देखिए अगर एन पॉइंट में दिया हुआ रहे एन क्या हो पॉइंट में तो लॉग लगा के काम करेंगे और हमने कैलकुलेटर पर लॉग निकालना आपके लिए सिखाया था सिखाया था लॉग लोगे तो क्या हो गया लॉग जीरो पॉइंट थ्री एन लॉग जीरो पॉइंट एट जीरो एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ एन पॉइंट में दिया हुआ है तब अगर एन पॉइंट में नहीं दिया है तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जीरो पॉइंट एट जीरो और इनटू करके बराबर करते जाइए ये जब आ जाएगी तब आंसर हो गया ये बात क्लियर हो गया सबको लॉग कैसे निकालते थे बाय कैलकुलेटर याद है सबको कि बता दू देखिए जिसका भी लॉग निकालना बाय कैलकुलेटर एफ का निकालना बेस दस में होना चाहिए यहां भी बेस दस है पहले ए लिखिए ए का मतलब ये ए लिखो रूट को 19 टाइम्स प्रेस करो माइनस वन इंटू बाईस छिहत्तर पंचानवे याद रखिए इसका वैल्यू आ गया बराबर करने से आएगा जो हो गया आंसर उसी तरह इसका भी वैल्यू निकाल लो डिवाइड कर दो एन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कर लोगे हाँ याद है अभी खाना कहाँ बनाया बेटा अभी उठेंगे खाना बनाएंगे बर्तन भी धोएंगे सब काम करेंगे अभी तो कहाँ अभी तो स्टार्ट भी नहीं किए क्लियर तो ये सब सवाल बन जाना चाहिए और कोई सवाल किसी को पूछना हो एक क्वेश्चन नंबर कौन बोल रहा है छ पॉपुलेशन दो परसेंट से या चालीस परसेंट से बढ़ जाएगा अमाउंट बराबर देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड में यही काम करते हैं इसको आप सौ मानोगे तो चालीस का मतलब एक सौ चालीस हो जाएगा आई आई कितना है दो परसेंट एन निकालना है ऑप्शन देखो ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में जो एन का वैल्यू दिया हुआ है बेटा ऑप्शन में जो एन का वैल्यू दिया हुआ है वो पॉइंट में नहीं है देखिए तो आप कैलकुलेटर पर ये लिख के इनटू करके बराबर करते जाओ दो से गिनो देखो कब आ रहा है वो आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर कौन पूछ रहा था दो तो दो भी देख लेते हैं सो बिल भी कम आफ्टर है जी पांच परसेंट पर एनम तो सौ रुपया कितना बीस साल के बाद होगा ये निकालना है तो कौन सा बड़ा बात है कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं रख रहा है तो कंपाउंडेड एनुअली हो गया कर लो अमाउंट बराबर पी पी आपका कितना है सौ पांच परसेंट बीस साल है देखो ये सब का ये सब का भी कैलकुलेटर बीस बार करने की जरूरत नहीं है वन पॉइंट जीरो बीस है तो चार और पांच में ब्रेक कर लो इसका वैल्यू निकालो वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू दो तीन चार फिर जो आए फिर इंटू बराबर करके दो तीन चार पांच हो जाएगा बीस इस बार इंटू सौ कर दीजिए ये फाइंड आउट हो जाएगा क्लियर है आठ देखिए आठ नंबर सवाल में क्या आठ नंबर बच्चे पूछ रहे हैं यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन है दस साल कॉस्ट है दस हजार प्रेजेंट वैल्यू रेट ऑफ दस परसेंट है स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है एट द एंड ऑफ लाइफ वही डेप्रिसिएटेड वैल्यू ये फार्मूला लगेगा दस <coughs> हजार की मशीन है दस परसेंट का डेप्रिसिएशन है कर दो एन कितना साल बोल रहा है दस साल जो आएगा वो आंसर हो गया जीरो पॉइंट नाइन जीरो इंटू करके बराबर करते जाइए दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस इंटू दस हजार करके आंसर कर लोगे आ गया क्वेश्चन नंबर सात भी है डिफरेंस ऑफ सी आई सर्टेन तीन साल में दिया हुआ है परसेंट के हिसाब से एक सौ दस पॉइंट सोलह ये भी आसान है सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ है बेटा छह परसेंट के हिसाब से एक सौ दस रुपया सोलह ऐसा लिखा हुआ सी आई का क्या फॉर्मूला होता है पी वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आप भूल जाते हैं देखो P को कॉमन ले लो और P आपको निकालना है P कॉमन ले लिए यहां रखिए वैल्यू कितना परसेंट है देखो छ माइनस वन पी कॉमन निकाल लिया क्या पी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो पी फाइंड आउट हो जाएगा इसका वैल्यू निकाल लीजिए पहले इतना पर पावर थ्री कर लो माइनस वन माइनस कितना हो गया जीरो पॉइंट वन एट जो आएगा इधर आके डिवाइड होके पी फाइंड आउट हो जाएगा राइट right? तो सात आप समझ गए सात के अलावा कौन है बारह और तेरह बारह देखिए द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड द सी आई चौबीस सौ दो ईयर्स पर एनम क्या है थे आसान था जी पहले सी आई निकाल लो सी आई आप कैसे निकालोगे वही फॉर्मूला पी कितना है चौबीस सौ रुपया आई कितना है आपका पांच परसेंट दो साल माइनस वन निकल जाएगा एस si आई निकल जाएगा P इन टू आई इन टी पी कितना है चौबीस सौ टी कितना है 5 परसेंट टी है जी दो साल दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल लोगे निकल जाएगा एक थर्टीन देखिए थर्टीन के अलावा कौन है नाइन वो भी देख लेते हैं बर्थ एंड डेथ रेट एक हजार पर दिया गया है यहां पर बच्चा क्या करता है डबल नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन यहां पर क्या होगा आई निकालिए एक हज़ार पर इतना जन्म ले रहा है और इतना मर रहा है एक हजार पर तो एक पर कितना होगा ये निकालिए ये? ये दो परसेंट से बढ़ रहा है तो ये बराबर फार्मूला लगाओ यहाँ पर हम लोग गड़बड़ करते हैं यहाँ बीस परसेंट लिख देते हैं ये डबल का मतलब टू हो गया ये वन हो जाएगा या यहाँ टू पी करो यहाँ पी या पी से पी कट के यही आएगा एन का वैल्यू पॉइंट में नहीं दिया हुआ है तो 1.02 करके बराबर करते जाइए आपका निकल आएगा ये क्वेश्चन बारह तेरह हो गया और कौन बोल रहा था एग्जाम्पल सत्रह अच्छा ठीक है सर रोज क्लास के टाइमिंग क्या रहती है देखो ट्यूजडे थ्रस्डे और सटरडे जो आज है ये टाइम एट पी एम ऑनवर्ड्स रहती है एट पी एम से क्लास चलेगी और मंडे वेडसडे फ्राइडे ये क्लास जो चलती है वो थ्री पी एम से चलती है ये टॉपर्स क्लासेस पर चलती है ये ध्यान रखना है टॉपर्स क्लासेस सी ए फाउंडेशन दोनों में से कोई या ये दोनों आप सब्सक्राइब कर लो दोनों में से किसी पर भी मैं क्लास कर दूंगा शंकर सर मैथ्स क्लासेस कई बार दिक्कत हो जाता है एक चैनल पर तो हम दूसरे पर भी ले लेते हैं ठीक है ये दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी में से क्लास किसी ना किसी पर हो जाएगा तो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे एट पी मंडे वस्डे फ्राइडे थ्री पी एम ऐसा ही क्लास आपको चलना है अच्छा एवीजेम पढ़ते थे आप वेरी गुड चलो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम तुम ज्वाइन किए क्लास में इतनी बात आप याद रखें ये बहुत अच्छी बात है लोगों को भी बताओ ये दोनों क्लासेस के बारे में ठीक है कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है धीरे धीरे पुराने बच्चे हमारे जुड़ेंगे तभी बात बनेगी नौ नंबर सवाल पूछ रहा है बच्चा इफेक्टिव रेट ऑफ अभी बताया था सौ रुपये पर निकालो बेटा आई है तीन से चार से सॉरी एक साल में चार क्वार्टर तो चार से भाग दे दो सौ रुपये का क्या होगा इफेक्टिव निकालना है तो सौ रुपये का इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते एक साल में ये डिवाइड कर देना कल कैलकुलेटर आपके पास है एक साल में चार जो आएगा वैल्यू वही आंसर हो गया इफेक्टिव ये आपका आ गया कौन सा सवाल नाइन टेन नंबर पूछ रहा है बच्चा सीआई हाफ ईयर पेबल हाफ ईयरली अच्छी अच्छी बात है दस नंबर सोलह हजार है प्रिंसिपल अमाउंट हाफ ईयरली कर रहा है तो दस परसेंट का कितना हो जाएगा पांच परसेंट और एन कितना होगा थ्री बाय टू ईयरस है तो कितना है जी तीन हाफ ईयर हो जाएंगे आपको एन और आई में चेंज करने के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए अच्छा सुबह हो तुम वेरी गुड मेरा नंबर भी ले लो तुम ये वाला नंबर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना हमेशा शाम से बात कर लेगा नाइन नाइन वन जीरो ट्रिपल थ्री वन फाइव टू फोन नंबर नहीं हो तो फोन नंबर ले लो ठीक है शुभम तो ये नंबर ले लो कोई दिक्कत नहीं है तो ये थ्री ईयर हो गया तो क्या पूछ रहा है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो अमाउंट जो निकालोगे बेटा पी पी कितना है सोलह हजार पांच परसेंट तीन साल और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है इसमें बच्चा गलती कर देता है जो ए आएगा उसमें सोलह हजार माइनस करके लिखोगे आंसर तुम तो लोग अमाउंट में ही टिक लगा देते हो इसलिए दिक्कत हो जाएगा हो जाता है तो दस नंबर आप सीख गए दस के बाद कौन बोल रहा था बच्चा फोर्टीन ओह फोर्टीन क्यों फोर्टीन में क्यों फंस गए यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले अमाउंट निकाल लो क्वार्टरली बारह परसेंट तो चार से भाग दे दो तीन परसेंट भैया छः महीने में कितने क्वार्टर होते हैं आधा बोतल में कितने क्वार्टर बनेंगे दो क्वार्टर नहीं बनेगा एन नहीं आता हूँ तो इसको पहले ईयर में बदल दो ईयर में बदल गया और फिर चार मल्टीप्लाई कर दो हो गया दो जब भी आपको मंथ में जब भी आपको मंथ में से मंथ में दिया हुआ कोई चीज है तो ईयर में कन्वर्ट कर दो बाय बारह कर दिया हाफ ईयर अब कितना क्वार्टर होगा तो एक साल में चार क्वार्टर मल्टीप्लाई कर दो अब इसका निकल आएगा अमाउंट अमाउंट इसी फार्मूला से निकालिए और जो आएगा उसमें चार हजार माइनस कर देना बना लोगे आप एक सवाल जो है बच्चा पूछ रहा था कौन है एग्जाम्पल का इक्कीस नंबर एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो आसान है पढ़िए सवाल एग्जाम्पल है कि का एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज में नहीं है ए पर्सन ऑफ एंड एन अकाउंट पढ़िए अप्रैल 2001, 2001 नहीं है 2011 कर लो ये गलती से लिखा हुआ है अब इक्कीस में दो 2011 कर लेना उसके बाद सवाल बनाना बन जाएगा फिर नहीं बने तो अगले क्लास में हम देखा बता देंगे 2001 का 2011 कर दो फिर सवाल बनाओ राइट दस बस तो दस में क्या है दस तो हो गया क्लियर दस नहीं बस अब क्लास खत्म कर देंगे विकास जी दो नंबर क्वेश्चन दो नंबर बता तो दिया अभी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज एग्जाम्पल सत्रह इन वाट टाइम बिल आठ हजार अमाउंट इतना है हाफ ईयरली है तो क्या हो गया एग्जाम्पल सत्रह अमाउंट बराबर पी आई और एन में बदलाव सीखिए ये आपका है आठ हजार आठ सौ बीस रुपया ये आठ हजार रुपया दस परसेंट हाफ ईयरली तो पाँच परसेंट कितना साल में ये मालूम नहीं है एन निकालना है इससे इसको डिवाइड कर दो ये मल्टीप्लाई करते जाइए एक दो देखो दो बार में बराबर आ रहा है हो गया काम आपका एग्जाम्पल सोलह ये तो वैल्यू दिया हुआ है व्हाट एनुअल रे, रे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डबल इन्वेस्टमेंट सात इयर्स डबल का मतलब यही है टू पी हो गया कितना है जी आपको सात साल आई नहीं मालूम ये कम हो गया टू पर पावर वन बाय सेवन सेवन को इधर ले आइए इसका वैल्यू बेटा दिया हुआ है आपको इस तरह से दिया हुआ है वन पॉइंट वन जीरो फोर जीरो नाइन जीरो वन को इधर ले आओ आई आई बराबर हो गया जीरो पॉइंट वन जीरो फोर जीरो नाइन जीरो परसेंटेज आई निकाल लो सौ से मल्टीप्लाई कर दो इतना परसेंट हो गया राइट right. बस आज इतना ही फिर हम लोग अगले दिन नए उत्साह के साथ मिलेंगे टॉपर का बचा रहा तो टॉपर का भी आप लोग बनाइएगा सी ए कंपाउंड इंटरेस्ट का वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर एन भी हम लोग काम करेंगे राइट तो आज के लिए भी बतना है गुड नाइट सबको गुड नाइट स्वीट ड्रीम ठीक है मजा सबको आया यस या नो मैं जवाब दो थोड़ा बहुत हमारा प्रचार भी किया करो बच्चे जुटे हैं जी गुरु जी मजा आ गया एकदम झक्कास ये धासू सब हमने सवाल बताए धासू सब आप, आपको कैलकुलेशन सिखाया ठीक है सबको गुड नाइट शुभ रात्रि सबको खाइए पीजिए मस्त रहिए हमारे तरफ से भी सबको भेज रहा हूँ क्या पिज़्ज़ा किस पर व्हाट्सएप पर खा लेना थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको थैंक यू बाय बाय